बूढ़ा पहाड़ में चल रहे स्पेशल दौरान सोमवार की सुबह लातेहार थाना उलोक और पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। माओवादियों के द्वारा छुपा कर रखे गए बम राइफल एवं भारी मात्रा में गोली बरामद की गई है। पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता कर बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि बूढ़ा पहाड़ के आसपास के इलाका में माओवादी भ्रमणशील होने की योजना बना रहे हैं। माओवादियों का उनका मुख्य मकसद भूल से बंकरों में छिपा कर रखे गए आधुनिक हथियार गोला बारूद और आईडी बम प्राप्त कर इस्तेमाल नए स्थापित तिसिया नावाटोली एवं झालूडेरा पुलिस कैंप में तैनात सुरक्षा बलों के खिलाफ करना है। बूढ़ा पहाड़ में पिछले डेढ़ माह से सफलतापूर्वक चलाए गए अभियान के बाद बूढ़ा पहाड़ में सक्रिय सभी भाकपा माओवादी अपने 3 दशक के गढ़ को छोड़कर फरार होने को विवश हो गए थे। स्पेशल ऑपरेशन लातेहार जिला बल कोबरा 203 AGR BDDS 12 CRPF 218 के द्वारा लातेहार जिला बल बारेसार थाना क्षेत्र अंतर्गत बूढ़ा पहाड़ चट्टान पानी एवं जोग पानी पहाड़ क्षेत्र में संयुक्त अभियान चलाकर भाकपा माओवादी को खदेड़ा गया। भाकपा माओवादियों के द्वारा छुपाकर रखे गए इन स्थानों से आईडी प्रेसर, आईडी हैंड ग्रेनेड व गोला बारूद रखा गया था, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। उन्होंने बताया कि भाकपा माओवादी का सेफ जोन माने जाने वाले जगहों पर केन बम लगाकर सुरक्षा बलों को टारगेट करने को लेकर लगाया था, लेकिन पुलिस ने अदम्य साहस एवं सूझबूझ दिखाते हुए न केवल पूरे एरिया को सेफ किया बल्कि सुरक्षित रूप से माओवादियों के बंकरों तक पहुंचे और रखे सभी अत्याधुनिक हथियारों एवं गोला बारूद को जब्त किया। पिछले कुछ दिनों से हमें ये सूचना मिल रही थी कि उनके कुछ छुपाए गए पहले रखे हुए हथियार वहाँ भारी मात्रा में मौजूद है, जिसके लिए बूढ़ा पहाड़ में भ्रमणशील दस्ता वापस वहाँ जाएगा अपने हथियार को प्राप्त करने के लिए। इस संबंध में हम लोगों ने समन्वय आपस में स्थापित किया, जिसमें लातेहार पुलिस बल, कोबरा, CRPF, झारखंड जगुआर की AG की टीमें, सब लोगों ने एक ज्वाइंट अभियान चलाया और उस ज्वाइंट अभियान में हमें ये करीब अभी 10 के आसपास जो कम्प्लीटली फंक्शनल हथियार हैं, करीब 950 के आसपास अलग अलग वेपन्स के एम्युनिशन्स हैं और हैंड ग्रेनेड्स हैं, UVGL हैं और दूरबीन है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।